अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रशीद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, उरैन रशीद के जो चैनल पे हैं व्लॉग्स आते रहते हैं और उसके साथ साथ जो है रिव्यूज और अनबॉक्सिंग वीडियोस भी आती रहती हैं। तो आज की भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जो कि हम करने लगे हैं जी TCL LCD की, और ये 32 इंच की है। अगर कोई आपके पास मास्टर बेड है, उस पर LCD लगानी हो, तो 32 इंच इनफ है भाई। तो भाई वीडियो को टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये है, एक बड़ा डेंजरस सा डैगर है, मगर देखा होगा जो आपने दूसरी वीडियोस में भी कमेंट्स भी आए थे काफ़ी ज़्यादा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम के वेस्ट के बगैर। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो वही वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। चलो जी, हम भाई ये इसकी जो है अनबॉक्सिंग जो है करने वाले हैं। और ये देखें जी, ये जा रही है अनबॉक्सिंग होने, ये अनबॉक्सिंग होने जा रही है। और इसको यहाँ से भी कट कर देते हैं, यहाँ से भी कट कर देते हैं। अभी कैमरा मैं इसको ओपन करने के बाद क्लोज भी करता हूँ, क्योंकि ये जी जो उन्हें हाँ जी ठीक है। अब कटर का हमारा काम खत्म हो चुका है, तो ये हम साइड पे लॉक करके डेली टेबल पर रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हमारे पास आ चुकी है ये LCD और इसके ठीक हो गया। ये इन्होंने एक पैकिंग दी हुई है जो थर्माकोल शीट की जो है, और ये आपके पास ही आ रही है। तो ये हाँ जी, और इसके साथ साथ ये जो है मेरे ख्याल से स्टैंड जो होता है इसका वो है, हाँ जी। और ये कुछ इन्होंने इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं खास, सॉरी, ये जो होता है रिमोट और लीड भी है कुछ। और जो रिमोट के साथ उन्होंने जो सेल भी दिया हुआ, ये भी आपको अभी हम दिखाते हैं साथ साथ। डब्बे में और कुछ है भाई? तो और कुछ भी नहीं है, तो बस यही था जो है LCD का जो साइड है उस तरफ कर दी है पहले, इस तरफ थी। तो ये LCD आ चुकी है हमारी, ये मैंने यहाँ पर रख दी है। और एक बॉक्स जो है अंदर से खाली हो चुका है, नज़र आ रहा हो तो ठीक है आपको जी। ये आ चुकी है हमारी LCD। तो पहले आपको सही तरह जो है सामान दिखा दूं कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ जो है हमें मिली हैं। और इसको भी कटर से जो है, चलो ये ऐसी हो जाएगी ओपन। तो ये इसके साथ इन्होंने जो है आयरन स्टैंड ये होता है जो, जिसके साथ जो है LCD फिक्स होगी, ठीक हो गया। तो ये है साथ, और इसी के साथ एक TCL LCD के जो है पेपर है कुछ, जो कि आपको पता है, कोई भी नहीं पढ़ता, सबको पता होता है क्या है क्या नहीं। तो ये जो है स्टैंड आप टेबल पे इजीली रख के जो है देख सकते हैं, और वो वाले जो हैं वो आप वॉल पे रख सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने साथ ये लीड्स दी हैं, और ये रिमोट है LCD का, और साथ इसके दो सेल भी दिए हुए हैं। तो अब बाकी जो है LCD का रिव्यू करते हैं। ये रही LCD, और इसके हम जो पेपर जो है रिमूव कर देते हैं। ये जी ब्रांड न्यू LCD। अच्छा जी, इस पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ये चेक करें कि इसमें इन्होंने, ये एंड्रॉयड LCD है, ठीक हो गया, जिसमें नेटफ्लिक्स भी है, यूट्यूब है, और गूगल प्ले स्टोर है, और जो चीज़ें आपको सामने, ये जो दो तीन और चीज़ें हैं। तो ये एंड्रॉयड LCD है, इसमें नेट वगैरह हम सब चीज़ें जो है लगा सकते हैं इजीली। तो इसकी बैक साइड की बात करें तो इसमें जो है ये चेक करें, इसमें जी USB केबल लग जाएगी, ये वो वाली HDMI केबल हो जाएगी, और ये जो है एक हैंड फ्री जो, जैसे लीड अगर म्यूजिक स्टूडियो के लिए प्लग करना हो, ये ऑफ ऑन का बटन पता नहीं क्या है, और ये केबल की लीड हो जाएगी। और इसके नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि, हाँ जी, इसके उस साइड पे होगा ये इसके, यार वो बटन भी दे रहे हैं, वो नहीं मिल रहे,
ऑन ऑफ वाले बटन किधर हैं? वो एलसीडी के जी बटन ही गुम हो गए हैं ऑन ऑफ वाले, मुझे नज़र ही नहीं आ रही, या मुझे नज़र नहीं आ रही या इस एलसीडी में है नहीं यार इस एलसीडी के ऑन ऑफ वाले बटन किधर है। बड़े सोचने की बात है, मैं देखूँ एक मिनट यार, एक तो समझ नहीं आ रही कि इसके बटन मुझे नज़र नहीं आ रहे, यहाँ क्या हो गया, क्या चक्कर है। अगर आपको वीडियो में नजर आए तो आपने मुझे आदमी कमेंट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो मुझे यही ऐड करनी पड़ी कि इसका कोई बटन शटर नहीं है यार, ये क्या चक्कर है, क्या सीन है, ये हो नहीं सकता। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में जो एलसीडी की जो अनबॉक्सिंग की थी सैमसंग की, वो भी एंड्रॉयड थी, उसके साइड में बटन है, इस साइड में बटन है, ठीक हो गया, ये वाली साइड में बटन है, तो यार ये क्या चक्कर है, ये मुझे सोचना पड़ेगा बैठ कर, तसल्ली से देखना पड़ेगा, इसके सामने ना हो, ये तसल्ली से मुझे बैठ के यार मुझे नहीं समझ आ रही कि बटन कितना राइट एलसीडी तो है, इसके बॉक्स में चेक कर लेते हैं यार हम, इसके बॉक्स में ना हो, ये देखें इन्होंने साथ जो है ये गूगल नेटफ्लिक्स यूट्यूब ब्लूटूथ और ये क्रोम कास्ट ब्लूटूथ इन, और ठीक हो गया 32 इंच की एलसीडी है, एंड्रॉइड टीवी एचडीआर माइक्रो रैमिंग, और ये जी ये पता नहीं क्या है, TCL की एलसीडी है, TCL, ठीक हो गया। और बाकी यहाँ पर ये देखें बॉक्स है जो बंदे हैं ओपन कर रहे हैं, इसी तरह हमने भी किया है, कोई नहीं खोल पाओ गया था भी। अच्छा जी यार बटन्स की ऑप्शन ना इस एलसीडी में भी नहीं है, इधर बॉक्स पे भी नहीं दी और उस पर भी नहीं दीजिए, मैं एक मिनट वीडियो स्टॉप करूँ पहले ढूंढ लूँ सही तरह जी। तो वीडियो की तरफ वापस आते हैं, और भाई ये एलसीडी है, और जैसे कि यही एलसीडी है, इसको हम सिर्फ रिमोट से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साइड्स पे कोई इन्होंने बटन्स नहीं दिए हुए, तो बाकी ये डिटेल मैंने आपको बता दी इस एलसीडी में क्या क्या है। बस एक ही इशू है कि एलसीडी में जो है इन्होंने बटन्स जो है एलसीडी के मतलब इसमें नहीं किए हुए, रिमोट से ही आप इसको कर सकते हैं, अगर आपका रिमोट ख़राब हो सकता है, ख़राब हो जाए तो आप उसको उसी तरह ठक ठक करके जो चलाते होते हैं तो वही कर सकते हैं टीवी के साथ, आपका इसको ही नहीं देना, यही रिमोट है इसका, ये रिमोट है और इसको आप यूज़ करेंगे, तो ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये इसका रिमोट है, ठीक हो गया, छोटा सा रिमोट दिया है, तो रिमोट का साइज़ थोड़ा मेरे अंदाजे से अच्छा। इन्होंने नेटफ्लिक्स का जो बटन एक अलग से दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि आप इस बटन को ओपन करेंगे तो नेटफ्लिक्स जो है ओपन हो जाएगा, मतलब बटन को जो है प्रेस करेंगे तो इन्फिनिक्स ओपन, नेटफ्लिक्स ओपन हो जाएगा। बार बार मैं इन्फिनिक्स मेरे रैम में आई जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इन्फिनिक्स का रिव्यू किया था, और तो मेरा दिमाग इस वजह से काम नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे एलसीडी में कहीं बटन नहीं नज़र आए, तो ये कोई एक फनी अनबॉक्सिंग थी जिस पर मुझे समझ नहीं आई। और इस टाइम आपको बताता हुआ चलूँ कि मेरा कैमरा भी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हुआ है, और वो भी नहीं मुझे पता लगा, और वीडियो बनाता जा रहा हूँ मैं तो दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा, जबकि सर्दियाँ हैं गर्मियों में दिमाग काम नहीं करता। तो ये साथ हमने एलसीडी भी ऑन कर लिया है और वाईफाई कनेक्ट हो गया है इसमें, वाईफाई कनेक्ट हो गया, तो ये अभी हमने किसी स्टैंड पे नहीं लगाई, अभी ना रखी है, तो हमने कहा सिर्फ चेक कर लें एलसीडी, तो ये साइन अप कर लेते हैं गूगल, तो एलसीडी को हमने लॉगिन कर लिया है, और ये साथ इन्होंने दिया है नेटफ्लिक्स और आगे जो है TCL और प्राइम वीडियो टीवी यूट्यूब और एक्सेट्रा, तो आगे देखते हैं यूट्यूब को ऑन करते हैं, यूट्यूब ऑन करना, YouTube की स्पीड भी चेक कर लेते हैं कैसी स्पीड है, और ये आ गई है जी YouTube, और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कुछ भी, HR News TV को सर्च कर लेते हैं, तो ये हमने HR News TV को सर्च किया, और ये देख लें जी भाई यहाँ पर HR News TV मेरा सेकंड चैनल जो है आ चुका है, ये रहा, और अब इसकी हम स्पीड चेक करते हैं, HR News को ओपन करते हैं, HR News ओपन करो,
HR News TV ऑन हो चुका है और इसकी मैं जो वॉइस जो है थोड़ी तेज़ कर लेता हूँ, वो देख लें आपको वॉइस। और भाई इसकी जो है क्या कहते हैं वाईफाई स्पीड जो है बहुत ही अच्छी है। साउंड दिखाओ, साउंड फुल करके दिखाओ जरा। कि 180 में ये बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा, ये थोड़ा थोड़ा कर करके 180 में चल नहीं रहा, स्मूथ चला रहा है वाईफाई को। मतलब इसमें जो वाईफाई डिवाइस लगी हुई है ना वो भी अच्छी लगी हुई है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। उस पे बटन दिया हुआ है आपको सामने, बटन होगा पहले अपने टच बटन, उस पर क्लिक कर दो। और अगर चाहते हो कि नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहे, ब्लॉग्स वगैरह आपको मिलते रहे, रिव्यूज एंड बॉक्सिंग, तो उसके लिए फिर बेल आइकन पे साथ क्लिक कर दो। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।